नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस अंक में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। इससे पहले कि हम आज की सुर्खियों की तरफ आगे बढ़े, हमारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि केंद्रीय अंतरिम बजट 2024-25 का सारांश विजन आईएएस की वेबसाइट के रिसोर्स खंड में उपलब्ध है। आप अंतरिम बजट 2024-25 के सारांश पर आधारित इस डॉक्यूमेंट को विजन आईएएस के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, इस सूचना के बाद अब हम जानते हैं आज की मुख्य सुर्खियों को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी। अंतरिम बजट 2024-25 में सनराइज प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष का प्रस्ताव किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के 2025-26 तक विस्तार को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्रों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों व लेवी में छूट योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संबंधी विनियामक निकायों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं आज की पहली मुख्य खबर को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी ने भारत सरकार को MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और संबंधित उपकरणों की संभावित सैन्य बिक्री के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया। यहां सबसे पहले हम MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें उपग्रहों की मदद से संचालित किया जा सकता है। ये एक बार में 30 घंटे से अधिक समय तक आकाश में उड़ान भर सकते हैं। इन्हें असैन्य अर्थात सिविल विमानन के साथ सुरक्षित रूप से एकीकृत किया जा सकता है। इससे संयुक्त बलों और सिविल अधिकारियों को रियल टाइम आधार पर परिस्थितियों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इससे त्वरित कार्रवाई में मदद मिल जाती है। ये समुद्री खुफिया सूचनाएं जुटाने, टोह लेने और निगरानी करने अर्थात इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस अर्थात ISR की क्षमताओं से लैस हैं। यह महासागर की सतह के ऊपर और नीचे रियल टाइम में खोज करने व गश्त लगाने की क्षमताओं से भी लैस हैं। आगे बढ़ने से पहले अब हम ड्रोन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ड्रोन मानव निर्मित और नियंत्रित हवाई वाहन होते हैं। ये हवा में स्वयं से संचालित हो सकते हैं या व्यक्ति द्वारा रिमोट से संचालित किए जा सकते हैं। ये अपने साथ घातक या गैर घातक पेलोड्स लेकर उड़ सकते हैं। यहाँ रक्षा क्षेत्र में ड्रोन्स तकनीक के महत्व को समझ लेना भी बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। पहला, रणनीतिक स्ट्रेटेजिक। ये ड्रोन सूचनाएं जुटाने, टोह लेने और निगरानी करने अर्थात ISR से संबंधित रियल टाइम विजुअल्स और डेटा उपलब्ध कराते हैं। इससे शीघ्र निर्णय लेने में मदद मिलती है। इनकी मदद से ऑपरेशन में शामिल कार्मिकों पर खतरा कम हो जाता है, साथ ही पारंपरिक मानव चालित विमानों की तुलना में ये किफ़ायती भी हैं। दूसरा, सामरिक टैक्टिकल। ये सटीक हमला करते हैं। इससे प्रभावित लक्ष्य के आसपास कम नुकसान होता है। ये दुर्गम इलाकों में कार्मिकों के बीच बेहतर समन्वय करने और लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में भी उपयोगी हैं। यहाँ ड्रोन से जुड़ी चुनौतियों को समझ लेना भी महत्वपूर्ण रहेगा, जो इस प्रकार है। भारत में विमानन क्षेत्र के प्रबंधन का फ्रेमवर्क जटिल है। तेज हवाओं जैसी प्रतिकूल मौसमी स्थितियों में ड्रोन का संचालन कठिन हो जाता है। निजता और सुरक्षा का उल्लंघन होने का खतरा रहता है आदि। अंत में हम भारत में रक्षा क्षेत्र के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य और निशान। ये रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित हवाई प्रणालियां अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV हैं। ब्लैक काइट, गोल्डन हॉक और पुष्पक ये DRDO द्वारा विकसित माइक्रो और मिनी UAVs हैं। DRDO नेत्र, यह निगरानी और टोही कार्यों के लिए विकसित हल्के वजन वाला ऑटोनोमस UAV है। DRDO रुस्तम, यह सशस्त्र बलों के लिए निर्मित UAV है। यह मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। काउंटर ड्रोन प्रणाली, इसे DRDO ने विकसित किया है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि यानी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दी।
इस संधि का उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ODI के अवसरों को बढ़ाने के लिए निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करना है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ODI भारत में स्थित निवेशकों द्वारा विदेशों में निवेश करने को कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UAE के साथ मौजूदा द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौता सितंबर 2024 में समाप्त हो जाएगा। BIT की बात करें तो ये एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए एक पारस्परिक समझौता है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ BIT का क्या महत्व है, चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि होगी, साथ ही इसके माध्यम से समृद्धि और रोजगार सृजन संभव होगा। ध्यान देने योग्य बात एक ये भी है कि वित्त वर्ष 2023 में UAE भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है और भारत और UAE पारस्परिक निवेश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। अब समझते हैं भारत और BIT के बारे में। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद और 2015 तक भारत ने 83 देशों के साथ BIT पर हस्ताक्षर किए थे। इन देशों के साथ BIT 1993 के मॉडल BIT के टेक्स्ट के आधार पर किए गए थे। मौजूदा BITs के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में बहुत अधिक बढ़ोतरी होने लगी थी। इसके कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2015 में नया मॉडल BIT अपनाया था। 1993 मॉडल पर आधारित BITs की समाप्ति के लिए 77 देशों को नोटिस जारी किए गए थे। साल 2015 के मॉडल BIT टेक्स्ट का उपयोग BITs और मुक्त व्यापार समझौतों या आर्थिक साझेदारी समझौतों के निवेश संबंधी अध्यायों पर फिर से वार्ता करने के लिए किया जाता है। खबर के आखिर में अब मॉडल BIT 2015 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। इसमें निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय व्यवहार के अंतर्गत विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों के समान व्यवहार किए जाने का प्रावधान किया गया है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों को स्वेच्छा से शामिल किया गया है। इसमें शामिल एक और प्रावधान है विवादों का निपटारा। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले स्थानीय उपायों का इस्तेमाल करने का प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए अब समझते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर को। अंतरिम बजट 2024-25 में सनराइज प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए के शुरुआती कोष का प्रस्ताव किया गया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा के साथ इस कोष की स्थापना की जाएगी। इसके तहत दीर्घकालिक वित्त पोषण या लंबी अवधि के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। यह सभी के लिए किफायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में भी मदद करेगा। यह निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि भारत में अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का केवल 0.7% ही व्यय किया जाता है। दक्षिण कोरिया, इजराइल जैसे देशों की तुलना में यह व्यय अनुपात काफी कम है। आगे बढ़ने से पहले यहां सनराइज प्रौद्योगिकियों के संबंध में एक समझ विकसित कर लेना बेहतर रहेगा। सनराइज प्रौद्योगिकियों में उभरती हुई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ये प्रौद्योगिकियां वर्तमान में विकास के शुरुआती चरण में है, लेकिन भविष्य में इनके उपयोग की अधिक संभावनाएं हैं। प्रमुख सनराइज प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन तकनीक। अब हम सनराइज प्रौद्योगिकियों के लिए भविष्य के अवसर व संभावनाओं को जान लेते हैं, जो इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में अवसर, बीमारी का शुरुआत में पता लगाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से पर्सनलाइज चिकित्सा आदि। कृषि के क्षेत्र में अवसर, ड्रोन और सेंसर का उपयोग करके परिशुद्ध कृषि अर्थात प्रिसाइजन एग्रीकल्चर, डेटा आधारित फसल प्रबंधन आदि। वित्तीय क्षेत्र में अवसर, ब्लॉकचेन आधारित समाधानों का उपयोग करके डेटा सुरक्षा को मजबूत करना। विनिर्माण क्षेत्र में अवसर, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अन्य संभावनाएं, लॉजिस्टिक दक्षता, ड्रोन आधारित मैपिंग, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस आदि के क्षेत्र में कई अवसर हैं। अंत में हम सनराइज प्रौद्योगिकियों के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों के संबंध में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा
राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम की मदद से इंडिया एआई पोर्टल लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति 2021 अपनाई गई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन तकनीक पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा रक्षा उद्देश्यों से और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकियों पर एक नई योजना की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि अर्थात एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF के 2025-26 तक विस्तार को मंजूरी दी। इस विस्तार के साथ साथ योजना के अंतर्गत नई पात्र संस्थाओं और निवेश क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। AHIDF को 2020-21 में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 3 वर्षों के लिए लॉन्च किया गया था। AHIDF का लक्ष्य डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। अब इसमें पशु चारा संयंत्र, नस्ल संवर्धन फार्म, पशु अपशिष्ट से संपदा प्रबंधन आदि भी शामिल कर लिए गए हैं। अब समझते हैं AHIDF की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आने वाला पशुपालन और डेयरी विभाग। पात्र संस्थाएं हैं व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां, किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME तथा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 उपबंधित कंपनियां। वहीं अब इसके अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियां भी शामिल हो गई हैं। इसको मिलने वाली ऋण सुविधा की बात करें तो सरकार अनुसूचित बैंकों, नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि से लिए गए 90% तक के ऋण के लिए 8 वर्षों हेतु 3% ब्याज छूट प्रदान करती है। साथ ही 2 वर्षों की अधिस्थगन अवधि सुविधा भी दी जाती है। इसके अलावा MSMEs और डेयरी सहकारी समितियों को क्रेडिट गारंटी फंड से लिए गए ऋण के 25% तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है और CGF का प्रबंधन नाबार्ड करता है। खबर के आखिर में AHIDF की उपलब्धियों पर भी एक नजर डालते हैं। इस निधि के शुरू होने के बाद से डेयरी, मांस और पशु चारा क्षेत्र में प्रसंस्करण क्षमता में 2-4% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस योजना से अब तक लगभग 15 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और उद्यमशीलता, रोजगार सृजन आदि को बढ़ावा मिला है। चलिए अब समझते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान वस्त्रों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों व लेवी में छूट योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। इस कदम से परिधान वस्त्र और मेडअप्स, जिसके अंतर्गत तिरपाल, टेंट आदि शामिल होते हैं, के निर्यात को किफायती बनाया जा सकेगा। इस प्रकार इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। इससे वर्ष 2030 तक भारतीय वस्त्र उद्योग के बाजार आकार को $250 अरब तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। इसमें $100 अरब का निर्यात लक्ष्य भी शामिल है। अब हम ROSCTL स्कीम के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ROSCTL से आशय है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज स्कीम, अर्थात राज्य और केंद्रीय करों व लेवी में छूट योजना। इसे वर्ष 2019 में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने शुरू किया था। इसे रिबेट ऑफ स्टेट लेवी ROSL योजना की जगह शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य परिधानों, वस्त्रों और मेडअप्स को शुल्क वापसी योजना के तहत प्रदान की गई छूट के अलावा राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवी की भरपाई करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी हैं केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985 के तहत परिधान वस्त्र, जो अध्याय 61 और 62 के तहत आता है, तथा मेडअप्स, जो अध्याय 63 के तहत आता है। कार्यान्वयन एजेंसी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। यहाँ भारत में परिधान वस्त्र अर्थात टेक्सटाइल क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 2.3% तथा औद्योगिक उत्पादन में 13% और देश के समग्र निर्यात में 12% का योगदान देते हैं। वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है।
भारत विश्व में तकनीकी वस्त्रों अर्थात टेक्निकल टेक्सटाइल का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत दुनिया में रेशम अर्थात सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में हाथ से बुने वस्त्रों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 95% है। अंत में हम वस्त्र क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण पहलों को जान लेते हैं। बाजार पहुंच पहल अर्थात मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI योजना, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना एमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड्स स्कीम ATUFS, समर्थ वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए योजना, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्र पार्क्स योजना, वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन आदि। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संबंधी विनियामक निकायों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। शीर्ष न्यायालय ने TN गोदावर्मन तिरुमुल पाद बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय के तहत ही ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य पर्यावरणीय कानून का शासन बनाए रखने के लिए पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना है। पर्यावरणीय कानून का शासन, इसका क्या मतलब है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये कानून के शासन के आवश्यक तत्वों को पर्यावरणीय अभिशासन में शामिल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के गठन हेतु सितंबर 2023 में जारी केंद्र सरकार की अधिसूचना को भी मंजूरी दी है। यह अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के तहत जारी की गई थी। पर्यावरणीय संस्थाओं के लिए दिए गए मुख्य दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डालते हैं। इन संस्थाओं को संरचना और अपने सदस्यों की सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा। वित्त के निश्चित और स्पष्ट स्रोत घोषित करने होंगे। कार्य और भूमिका में स्पष्ट अंतर करना होगा। जहां तक संभव हो नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों को क्षेत्रीय भाषाओं में अधिसूचित करना होगा। नियमित और व्यवस्थित लेखा परीक्षा कराने का प्रावधान करना होगा और पर्यावरणीय मंजूरी हेतु जन सुनवाई तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए मानदंड अधिसूचित करने को कहा गया है। खबर के आखिर में अब बात करते हैं केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के बारे में। शुरुआत में इसे एक तदर्थ निकाय के रूप में गठित किया गया था। इसका गठन TN गोदावर्मन बनाम भारत संघ 1996 मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था। सितंबर 2023 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत CEC के गठन हेतु अधिसूचना जारी की थी। इसमें इसे एक स्थायी वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था। इसके कार्यों की बात करें तो इसका मुख्य कार्य है पर्यावरणीय मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग आदेशों को लागू करने की निगरानी करना और इनका क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत पर मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है इंडोनेशिया। इस देश की राजधानी है जकार्ता। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। अगर इंडोनेशिया देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये देश कई द्वीपों से मिलकर बना है। ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि से दूर स्थित है। इसकी सीमाएं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर से लगती है। वहीं इसके समुद्री पड़ोसी देश हैं सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब समझते हैं इस देश की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। इस देश के 5 मुख्य द्वीप हैं: सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पापुआ। ये देश 3 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के सीमा क्षेत्र में अवस्थित है। ये है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है और इस देश की सबसे ऊंची चोटी है पुंजक जया। चलिए अंत में हम संक्षिप्त सुर्खियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला, राज्यसभा में उपसभापतियों का पैनल। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति ने उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया। सभापति राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के तहत उपसभापतियों के एक पैनल का गठन करता है।
इन नियमों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रावधान किए गए हैं। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल का कोई भी सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर सकता है। दूसरा, कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री ने CMPFO का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को सी केयर्स नाम दिया गया है। सी केयर्स एक लोक सेवा मंच है। इसका उद्देश्य CMPF अंशदाताओं को लाभ पहुंचाना है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC ने विकसित किया है। तीसरा, शिक्षा मंत्रालय AICTE निवेशक नेटवर्क। शिक्षा मंत्रालय ने MOE AICTE अर्थात शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च किया है। इसे AICTE और MOE के इनोवेशन सेल ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है। इसका उद्देश्य नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने और स्टार्टअप फंडिंग के मुद्दे के समाधान के लिए छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों और बाजार को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह छात्रों या शिक्षकों के नेतृत्व वाले प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता, सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करेगा। चौथा, अंत्योदय अन्न योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को दी जा रही चीनी पर सब्सिडी को 2 और वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत निर्धनों में भी सबसे निर्धन परिवार शामिल हैं। तय मानदंडों के अनुसार इनमें बेघर परिवार, हाथ से मैला उठाने वाले ऐसे परिवार जहां घर की मुखिया नाबालिग, विधवा, सिंगल महिला है। पांचवा, प्रौद्योगिकी विकास निधि अर्थात टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड TDF। ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को TDF के तहत विकसित किया गया है। इस सिस्टम ने PSLV C-58 द्वारा लॉन्च किए गए पेलोड पर कक्षा में कार्य क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम परियोजना को बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रौद्योगिकी विकास निधि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड TDF रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत DRDO कार्यान्वित कर रहा है। छठा, भारतीय तटरक्षक बल ICG इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 48वां स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया। इसका गठन वर्ष 1977 में किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से इसका संचालन वर्ष 1978 में किया गया। यह रक्षा मंत्रालय के तहत तटरक्षक अधिनियम 1978 के अनुसार कार्य करता है। सातवां, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है। विश्वविद्यालय के अलावा किसी विशेष क्षेत्र में उच्च मानक का कार्य करने वाले किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया जा सकता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत दिया जाता है। ऐसे संस्थान किसी विश्वविद्यालय के अकादमिक दर्जे और विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं। आठवां व अंतिम, डिजिटल डिटॉक्स। कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF और नीमहंस अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल का शुभारंभ किया है। डिजिटल डिटॉक्स उस समय अवधि को कहते हैं जिसके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप जैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जानबूझकर कम समय बिताता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह अंक आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।